किड्स, हमारी आज की स्टोरी है डरपोक पत्थर। बहुत समय पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसे बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वो उस पत्थर को लेकर घर आ रहा था तो उसे एक दूसरा पत्थर भी मिला। वो उसे भी अपने साथ लेता हुआ आया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू की। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वो पत्थर बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊं। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी, तो उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से सजाता, फलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो पत्थर बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बनी पत्थर से बात की और कहा, तुम तो बड़े मजे से रहते हो, तुम्हारी तो लोग पूजा करते हैं, तुम्हें लड्डुओं का भोग लगाते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बनी पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। सीख, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।